बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है। तीन मिलकर ये बेड सरकार बनी है, ये बुरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे हैं और नवादा में महान सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में बड़ी बात अमित शाह ने कह दी है। नीतीश कुमार, ये बात अच्छे से जान लें, उनके अधिकतर एमपी जो हैं वो भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन अगर ये वो मान रहे हैं कि चुनावी परिणाम के बाद वापस उनकी एंट्री बीजेपी में हो जाएगी, तो बीजेपी किसी हाल में नीतीश कुमार को वापस नहीं लेने जा रही है। ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें भी अमित शाह ने जोर से कहा है कि ये बात अच्छे से समझ लें, ललन सिंह और नीतीश कुमार इस बात को जान लें कि वापस जेडीयू के साथ उनका तालमेल नहीं होने वाला है, एंट्री नहीं होने वाली है। अमित शाह नवादा में बोल रहे हैं, जरा सुनिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आप भी गलत फहमी में हो, नीतीश जी भी गलत फहमी में है, मगर बिहार की जनता गलत फहमी में नहीं है। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से निर्णय कर बैठी है कि बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है, और नवादा में भी नवल कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये सरकार है बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड सरकार है, भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी। तीन मिलकर ये बेड सरकार बनी है, ये बुरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। मित्रों, सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं, वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजप के दरवाजे खटखटा रहे हैं, और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं भाइयों बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए, यही चाहते हैं ना आप, यही चाहते हैं ना, ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर गोड़ने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद, अब ये दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती, मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। मित्रों, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है, और साहब सत्ता की लालच देखिए, लालू जी के बेटे ने नीतीश जी को सांप कहा, मैं फिर से बोलता हूं, सांप कहा, पलटू चाचा कहा, धोखेबाज कहा, लालची कहा, अहंकारी कहा, अरे गिरगिट तक कह डाला, मगर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के मोह में आज उनके साथ चले गए हैं। इनके भ्रष्टाचार के कारण नवादा में खाद नहीं मिलता है, बीज की कालाबाजारी होती है। नवादा वालों चिंता मत करो,
24 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार अपने ही वजन से घिरने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के कमल की सरकार बनने वाली है। तो नवादा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे हुंकार भरी है, ना ही नीतीश कुमार पीएम बनने वाले हैं, ना ही लालू प्रसाद के बेटे सीएम बनने वाले हैं, नीतीश कुमार बनने भी नहीं देंगे। और उसके बाद जेडीयू के कितने एमपी बीजेपी के दरवाजे खटखटा रहे हैं, ये बातें जब अमित शाह ने कही है, क्योंकि देखिए अमित शाह यानी कि नंबर टू बीजेपी में, आप समझ सकते हैं अमित शाह ने जब ये बातें कही हैं और नीतीश कुमार की एंट्री हो ही नहीं सकती है, जंगल राज कहकर खूब हुंकार भरी है। वो वीडियो भी आप लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।